हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायजूस बड़ौदा वुमन्स टी ट्वेंटी चैलेंज की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहां पर बड़ौदा वॉरियर वुमन वर्सेस बड़ौदा राइवल वुमन के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नज़र कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे MCA T20 के वीडियोस मिल जाएंगे, इनके अलावा ऐसे ECS T10 के वीडियोस मिल जाएंगे, और साथ ही में मिल जाएंगे ऐसे अरेबियन T20 के वीडियो। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है, इनके लिंक वर्क ना करें तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च करिए @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। बात करें इस मैच की, तो ये मैच सुबह में 8:30 पर इन्फीप्रो स्पोर्ट्स एकेडमी छानी बड़ौदा में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट ऐसे न्यूट्रल और बैलेंस है, हालांकि अपन रन से एक बड़ी एक्सेप्टेशन रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 90 से 130 रन के आसपास स्कोर बनता है। एवरेज यहाँ पर चेजिंग रिकॉर्ड की बात करें तो चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है, कल भी दोनों मैच यहाँ पर चेजिंग करने वाली टीम ने जीती थी। तो यहाँ पर टॉस जीतकर टीम यहाँ पर चेज करना पसंद कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे टीम BWW की, 7 मैच खेली है, 3 मैच जीती है, 4 मैच आ रही है। ओपनिंग में कौन है, तो धरती मैन राठौड़ और यहाँ पर अमृता जोसेफ दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। इंपॉर्टेंस की बात करो तो दोनों ही इंपॉर्टेंस पिक रहेंगे, और एज अ प्लेयर के साथ दोनों यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बढ़िया पिक है। धरती मैन राठौड़ ने लास्ट मैच के लिए 1 विकेट निकाला, इसके पहले ऐसे 56 रन के साथ 1 विकेट, इनके पास साथ यहाँ पर 32 रन के साथ 2 विकेट, इसके पहले यहाँ पर 42 रन के साथ 1 विकेट। तो एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की बेस्ट चॉइस है धरती बहन राठौड़। इनके अलावा ऐसे अमृता जोसेफ की बात करो तो इनको भी आप लोग ऐसे वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो, 44 रन के साथ 1 विकेट, यहाँ पर 25 रन, यहाँ पर 25 रन, यहाँ पर 2 विकेट। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों इसे अच्छा कर रही है, तो ऐसे एज ए प्लेयर के साथ कैप्टन और कैप्टन तो ठीक है, जैसे धरती बहन राठौड़ ही रहेंगे, लेकिन वाइस कैप्टन के तौर पर आप लोग ऐसे अमृता जोसेफ को ट्राई कर सकते हो। विकेट कीपिंग सेक्शन से जैनिता जे फर्नांडिस डिफॉल्ट पिक है, इनको ही लेके जाना है, क्योंकि वह अभी तक पूरी टूर्नामेंट के अंदर कंसिस्टेंट रही है। हालांकि कुछ मैच के अंदर इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं भी दिए, लेकिन जहां पर इन्होंने दिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और इनसे अच्छी विकेट कीपिंग की चॉइस शायद ही हमको मिल सकती है, तो ऐसे इनको एज अ डिफरेंशियल में ट्राई करोगे। बाकी यहाँ पर सेजल लूनावट की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर 21 किए, इसके पहले पहली मैच के अंदर 29 किए थे, और फिर यहाँ पर इन्होंने 28 किए थे। तो एज ए प्लेयर ऐसे इनको डिफरेंशियल में जरूर ट्राई कर सकते हो, ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे, अगर कोई चॉइस ना मिले तो ऐसे इनके ऊपर आप लोग भरोसा कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग से अभी तक ये कंसिस्टेंट रही है। जहाँ से भी बात करूँ तो हालांकि कुछ मैचेस के अंदर नहीं भी चली, लेकिन टिक टाक पॉइंट्स दे देती है। जानकी राठौड़ वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी, लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रही, लेकिन पूरी ओवर्स करवा रही है। इवन यहाँ पर पूरी टूर्नामेंट के अंदर कुछ ही मैचेस ऐसे जहाँ पर उनको विकेट ना मिली हो, बाकी लगभग आपको विकेट लेती हुई नजर आएगी। इवन एक मैच के अंदर इन्होंने पंजा दिया था, यानी कि 5 विकेट निकाली थी इन्होंने 4 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए। तो ऐसे जानकी राठौड़ वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। ऐसे नैन्सी पटेल लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रही, लेकिन ये भी मैच के कंसिस्टेंट तो ठीक है, यहाँ पर इनको डिफरेंशियल में ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे एज ए प्लेयर इनको सजेस्ट करूंगा ड्रॉप करने का, इसके लिए क्योंकि लास्ट मैच के अंदर 1 ओवर्स की गेंदबाजी की थी। हालांकि टूर्नामेंट के अंदर 1, 2 और 3 बार इन्होंने पूरी ओवर्स नहीं करवाई है, तो इनको डिफरेंशियल में ड्रॉप कर सकते हो। खुशी वसावा ठीक ठाक है, वैसे प्लेयर अच्छी है, बैटिंग से अच्छा कर सकती है, लेकिन बैटिंग से इनको खास अभी तक मौका मिला नहीं है, ज़्यादातर इनकी बैटिंग आती ही नहीं, तो इनको तो अभी के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। सेम चीज़ ऐसे जिनल पटेल, अभी देखो ये दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर टूर्नामेंट खत्म होते होते एक अच्छा स्कोर जरूर करके देगी आपको, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर ओवरऑल प्लेयर काफ़ी अच्छे, लेकिन बैटिंग से इनको नीचे भेजा जा रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इन दोनों को 1-2 मौके तो जरूर देने चाहिए यहाँ पर ओपनिंग में, या तो फिर 1 डाउन में खेलने के लिए, बाकी देख लेते अगर मौका मिलता है तो यहाँ से इनकी तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बाकी हमारे लिए तो काफ़ी रिस्की है, तो ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करोगे। दोली जहांगीर भी ठीक ठाक है, यहाँ पर ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करोगे। बाकी के मिष्टी और यहाँ पर रेखा सरोज दोनों ही
यहाँ से मिस्ट्री तो ठीक रहा कि यहाँ पर थोड़ी सी रिस्की रहेगी, हालांकि पूरी ओवर्स करवाएगी तो यहाँ से एक दो विकेट लेने की यहाँ पर आशा कर सकते हो। बाकी रेखा सरोज वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर लेके जाना है। स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ पर जे राठौड़ और एस सरोज, डेथ ओवर्स में यहाँ पर ए जोसेफ के साथ के मिस्ट्री डेथ में आएंगे। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगी तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए बात करें हम लोग यहाँ पर बड़ौदा राइवल वुमन की, 7 मैच खेली है, 4 मैच जीती है, 3 मैच आ रही है। ओपनिंग में कौन है तो प्रज्ञा रावत और नेहा पटेल दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। इंपॉर्टेंस की बात करो तो ऐसे प्रज्ञा रावत वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। लास्ट मैच के अंदर मैंने इनको कैप्टनशिप का भी रिस्क लिया था, हालांकि कुछ खास किया नहीं उन्होंने और थोड़े से हमको यहाँ पर नुकसान में उन्होंने पहुँचा दिए। बाकी एक बार फिर से आप लोग आपके लिए एक चॉइस बन सकती है यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि बैटिंग से इन्होंने 36-20 जैसे दो बच्चे अच्छे स्कोर किए हुए हैं। और बाकी बॉलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर दो विकेट और ओपनिंग की बात करूँ तो पिछली 2 मैच के अंदर ही ओपनिंग करवा रही है, इसके पहले थोड़े से नीचे खेल रही थी। तो बैटिंग से भी हम लोग यहाँ से अभी इनसे आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। नेहा पटेल एज अ प्लेयर थोड़ी सी रिस्की होती जा रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस जितना इनसे एक्सेप्ट किया जा रहा है इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ नहीं है। पहली मैच को अगर छोड़ दे तो सिर्फ 2 मैच के अंदर डबल डिजिट में पहुंची, 13 और 18, बाकी आप देख सकते हैं 8-0-6-6, तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। ओवरऑल बैलेंस है परफॉर्मेंस इनका, तो डिफरेंशियल में ट्राई भी कर सकते हो। करिश्मा कदर भाई टंग के ऊपर आप लोग रिस्की तौर पर ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का रिस्क ले सकते हो, बाकी एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट पिक है। स्वामिनी कुलकर्णी ओके रहेंगी, हमारे पास ऑलरेडी चॉइस है। यहाँ से काव्यांजलि पटेल को भी आप लोग एज अ डिफरेंशियल में रिस्की तौर पर यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा से केशा प्रवीण भाई पटेल, ये तो डिफॉल्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है, तो आप लोग इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी रिधि मौर्या की बात करो तो कंसिस्टेंट है पूरी टूर्नामेंट के अंदर, सिर्फ इनको एक ही मैच के अंदर विकेट नहीं मिली, बाकी पूरी टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने विकेट निकाली होता है। ऐसे ही रिधि मौर्या वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। या से नूपा व्यास को भी आप लोग लेके जा सकते हो, हालांकि ये भी ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने विकेट्स मिली हुई है और यहाँ से पूरी ओवर्स भी करवा रही है, तो इसके लिए यहाँ पर इस प्लेयर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। प्रीति देसाई ओके यहाँ पर मौर्य राठौड़ और यहाँ से उर्वी पानुशाली तीनों ही काफ़ी रिस्की रहेगी, तो इनको तो आप लोग यहाँ से ग्रैंड लीग वगैरह में ही ट्राई करोगे, स्मॉल लीग के लिए शायद इनको मैं सजेस्ट ना करूँ। इनके अलावा ऐसे स्टार्टिंग ओवर्स की बात करूँ तो प्रज्ञा रावत और रिधि मौर्य, और डेथ ओवर्स में भी यहाँ पर प्रज्ञा रावत और रिधि मौर्य डेथ में भी आएंगे, तो दोनों ही यहाँ से इंपॉर्टेंस रह सकती है हमारे लिए। और बाकी बेंच की बात करो तो बेंच से यहाँ पर इंपॉर्टेंस तो निधि धमानिया ही है, बाकी तीनों प्लेयर में से कोई भी खेलता है तो उनके स्टेट्स अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे। देखो निधि धमानिया की बात करो तो कल वो पहले लाइनअप में थी और आखिरी की 10 मिनट के अंदर लाइनअप चेंज हुई, बाकी पहले ये लाइनअप में दिखा रही थी निधि धमानिया। हो सकता है कुछ इंजरी इश्यू वगैरह इनके साथ हो सकता है, बाकी ये कंटिन्यू करेगी। तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की तो जे जॉन फर्नांडिस हमारी टीम के अंदर रहेगी, इनके अलावा ऐसे एस कुलकर्णी तो बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगी। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर डी अजय कुमार राठौड़, इनके साथ यहाँ पर ए स्टेलिन जोसेफ और ऐसे के कदर भाई टंक हमारी टीम के अंदर रहेंगी। करिश्मा कदर भाई टंक क्या नाम है, हाँ करिश्मा कदर भाई टंक हमारी टीम के अंदर रहेंगी। बाकी निधि धमानिया खेलती है तो मैं इनको जरूर लेके जाऊंगा, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर है। और ऑलराउंडर सेक्शन की बात करो तो ऐसे केशा प्रवीण भाई पटेल, इनके साथ ऐसे प्रज्ञा रावत है और रिधि मौर्य हमारी टीम के अंदर रहेंगी। यहाँ पर आप लोग चाहो तो लूनावर को ट्राई कर सकते हो। बाकी बॉलिंग सेक्शन से ऐसे जे अजय भाई राठौड़ है, नैन्सी पटेल जूनियर है, इनके साथ ऐसे रिंकी सरोज और यहाँ पर नृपा व्यास हमारी टीम के अंदर रहेंगी। और टीम की बात करूँ तो टीम कुछ इस तरह से रहने वाली हमारी के डी अजय कुमार पटेल कैप्टन है, वाइस कैप्टन ऐसे केशा प्रवीण भाई पटेल है। आप लोग ना इनको रोटेट भी कर सकते हो, यानी कि केशा को कैप्टन करके आप लोग ऐसे डी अजय कुमार राठौड़ को वाइस कैप्टनशिप दे सकते हो, ये दोनों चेंजेस कर सकते हैं। इनके अलावा अदर ऑप्शंस की बात करो तो ऐसे ए स्टेलिन जोसेफ और यहाँ पर प्रज्ञा रावत, इन दोनों प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं। ऐसे के कदर भाई टंक को आप लोग, यानी कि करिश्मा कदर भाई टंक को भी आप लोग एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहे जो टीम है डेमो है, फाइनल मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इनके लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटेसी डिसेंट चैलेंजर या फिर आप सर्च करिए @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि
आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं, आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छी टीम बनाना है और अच्छी सी विनिंग करते रहना है। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।